हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड, एपिसोड नंबर 47 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो सिर्फ जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते थे, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। आप लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां पास से हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि एराजा के पास दौड़ते हुए आ रहा होता है। एराजा अभी भी अपने स्वॉर्ड्स को जनरेट कर रही होती है उन सभी बॉल्स एनर्जी बॉल्स पर मारने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा थकी होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है नात्सु पर। नात्सु देख रहा होता है उसे और वो बोलता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तू नहीं बचने वाला, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। यहाँ पास से उन दोनों के बीच में अच्छी फाइट होती है, लेकिन हमारा थंडर गॉड उस पर पंच मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एराजा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी थक चुकी थी और उसके आसपास के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी के सभी घायल हो चुके होते हैं। वो अभी भी सोच रही होती है कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं। यहाँ पास से और भी लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअल में ये सब कुछ टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं, सेम ऐसा एराजा और हैप्पी को भी आवाज़ सुनाई देती है और एराजा को भी, लूसी को भी सुनाई देती है। खैर, यहाँ पास से हमें पता चलता है कि ग्रे ने अपने दोस्त से टेलीपैथी से बात करने की काबिलियत को दिखाया है। यहाँ पास से सभी लोग आपस में बात करते हैं, एंकर को दिखाया जाता है जो कि बोलना चालू करता है और उसी बीच सभी के सभी बोलना चालू करते हैं, जिससे सब कुछ हौच पौच हो जाता है और ग्रे को गुस्सा आता है तो वो उस बंदे के कान में बोलता है और उसके पूरे कान के फर्दे फाड़ देता है। यहाँ पास से लूसी बोलती है कि मेरी बात काफ़ी ध्यान से सुनो, हम सभी लोग अगर मिलकर उस एनर्जी बॉल पर अटैक करें तो हम पूरे की पूरी तरह से उसे हरा सकते हैं, उस पूरे एनर्जी बॉल को तबाह कर सकते हैं। ये बात से सभी लोग राज़ी होते हैं। तभी वो बोलती है कि जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी जब तुम लोगों ने मेरी मदद की, तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती, उन सभी दुश्मनों से न लड़ पाती और मैं अपने घर पर होती, मास्टर मैकरोफ ने भी मेरा साथ दिया। जिसके बाद ये सभी लोग राजी हो जाते हैं और उस एनर्जी बॉल पर सभी लोग अटैक करते हैं, इवन हैप्पी भी, जिसके बाद वो सभी की सभी बॉल्स एनर्जी बॉल्स टूटकर वहीं पर गिरने लगती हैं और एक चमकीले फॉर्म में नीचे की तरफ झुकती हैं। यहाँ पास से जितने भी फेरी टेल्स के आसपास रहने वाले मेंबर्स थे उन सभी को ये दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगता है। यहाँ पास से उन्हें पता तो चल जाता है कि वो एनर्जी बॉल टूट चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें करंट लगता है। इवन लूसी और हैप्पी, उन्हें भी करंट लग जाता है और सभी के सभी घायल उसी जगह पर पड़े होते हैं। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है ग्रे को जो कि सोच रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नात्सु को जो कि उसके सामने खड़ा होता है फाइट करने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी वो अपना पावर अप करता है और मैं बता दूं कि इसका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा तेज था, जिसकी वजह से प्रेशर झेल नहीं पा रहा था नात्सु और पीछे की तरफ खिसकना चालू हो जाता है। यहाँ पे सभी लोग मज़े कर रहे होते हैं और लेवी को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए आ रही होती है। मैकरोफ की दोस्त की डर की वजह से वो रोकना चाह रही थी थंडर गॉड को, यानी कि लैकस को। यहाँ पास से मास्टर की फ्रेंड और उसको मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें लैकस को दिखाया जाता है पावर अप कर रहा होता है। इसे देखकर मुझे सच में ड्रैगन बॉल जी की याद आ गई। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग चालू हो जाती है, लेकिन वो नात्सु के पेट पे पंच मारने में कामयाब हो जाता है और नात्सु वहीं पर गिर जाता है। नात्सु को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है थंडर गॉड की असली पावर को जो कि उस पर एक एनर्जी बॉल अटैक कर देता है और यहाँ पास से वो बच के निकल जाता है। एक्चुअल में वो बचा नहीं होता है, उसे बचाया गया होता है बाय गैजील। गैजील ने उसे बचा लिया होता है और एक पिलर पर खड़ा के चिपक जाता है, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। वो नीचे उतरता है और नात्सु को वहीं पर फेंक देता है। वो बोलता है अब तू क्यों क्या लेने आया है, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है जो कि नात्सु बात कर रहा होता है कि हम इसे कैसे हराएंगे और इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। गैजील काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तो अभी ये दोनों हमला करने के लिए उस जगह से दौड़ना चालू करते हैं और इन दोनों के बीच की फाइट काफ़ी ज़बरदस्त थी।
सच में यार ये एपिसोड ड्रैगन बॉल जी की याद दिला देता है। यहाँ पास से नात्सु को काफी बड़ा करंट का झटका लगता है बाय ब्लैकस, तभी वो वहाँ पास आता है गैजिल और उसे बचा लेता है। दोनों ही लोग अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो कंबाइन कर देते हैं उस फॉर्म को। यहाँ पास से वो अपने आयरन का और ये हमारा नात्सु आग का इस्तेमाल करता है और उस पर अटैक कर देते हैं। ये एनर्जी बॉल्स पर अटैक करता है उन सभी पर, लेकिन यहाँ पास से नात्सु पीछे से आता है और उसके एनर्जी बॉल अपनी मतलब अपनी फायरबॉल उस पर दे मारता है, तभी वो नीचे की तरफ गिर जाता है। गैजिल बोलता है आजा मैं तेरी खटिया खड़ी करता हूँ, और जिसके बाद वो उस पर पंच मारता है अपने ब्लेड से, लेकिन वो उसे काफी आराम से डॉच करता है। यहाँ पास से फिर भी वो हमला कर ही देता है अपने मैजिक स्पेल से जो कि उसे काफी ज्यादा चोटिल करती है, और हमारा नात्सु अपने फायर फूक से उसे जला देता है। यहाँ पास से दोनों ही लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और दोनों ही लोग एक साथ अटैक करते हैं जिससे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ पास से ये दोनों काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उनकी नजर सामने टिकी होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है लैकस को जरा से भी खरोश नहीं आई है। ये चीज नात्सु देखता है और काफी ज्यादा शौक में होता है कि हमारे इतने अटैक्स के बाद भी ये कैसे हो गया। तभी वो बोलता है कि अब मेरी बारी, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपने बिगेस्ट फॉर्म में। यहाँ पास से बता दूं कि ये थंडर गॉड अपने फाइनल लेवल पर पहुंच चुका है, अपनी पूरी एनर्जी को बढ़ा चुका है अपने शरीर के अंदर और इन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये घायल हो जाते हैं और इसके दांत और पूरा शरीर काफ़ी बड़ा हो जाता है, बिल्कुल एस्केनोर के जैसे, सेवन डेडली सिंस जिसकी हम बात नहीं करने वाले। खैर यहाँ पास से गैजिल को दिखाया जाता है जो कि तड़प रहा होता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। सेम कंडीशन नात्सु की भी होती है और दोनों ही लोग मन में सोच रहे होते हैं कि अब हमें इसे कैसे हराना चाहिए। यहाँ पास से वो एनर्जी बॉल बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी के कामे हाँ में हाँ जैसा बनाना चालू करता है। तभी लेवी वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि ऐसा मत करो, मैकरोव मास्टर अभी काफ़ी ज़्यादा घायल है, बारे में थोड़ा बहुत सोच लो। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और अटैक अपना कुछ देर के लिए रोक देता है, लेकिन वो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है उस अटैक के पीछे, इसलिए वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो लेवी अभी भी कहे जा रही होती है तो और वो रोने लगती है। यहाँ पास में लैकस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और उस एनर्जी बॉल को अपने हाथ में और बड़ा करना चालू करता है, और वो एक मैजिक स्पेल करता है जिसके बाद काफ़ी बेस उजाला होता है। मैं बता दूं कि ये उजाला इतना तेज़ होता है कि गैजिन, नात्सु और भी जो भी मेंबर्स थे यानी कि उस आइलैंड में, वो सभी के सभी उस रोशनी के अंदर दबने लगते हैं। इवन हमारी इराजा भी काफ़ी दूर पड़ी होती है बेहोश, वो भी उस पर एनर्जी बॉल एनर्जी लाइट थी जो काफ़ी उसे घेर लेती है और पूरी तरह से अंदर समेट लेती है अपने, और पूरा का पूरा शहर चमक रहा होता है। तभी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।